Hello students, today we are here with the topic emotions effect. So just to prove that two pigment systems acts in the light reaction of photosynthesis, the scientist was Robert Emerson, who experimented upon chlorella plant and showed that how the two photosystems are acting together. So before starting this experiment, I would like to introduce with the two terms, which is quantum yield and quantum requirement. So what is quantum yield? The rate or the photo, actually the rate of photosynthesis is measured as the number of molecules produced per quantum of light absorbed. क्या कह रही हूँ मैं कि एक क्वांटम लाइट से हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इज क्वांटम यील्ड. और इसके ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट, यहाँ क्वांटम यील्ड क्या है कि एक फोटोन से कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिल रहा है. और क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को लिबरेट करने के लिए कितने फोटॉन्स की रिक्वायरमेंट है. सो दोनों क्वांटम यील्ड एंड क्वांटम रिक्वायरमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. और एमर्सन्स प्रूव्ड दैट द क्वांटम रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस 8, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के रिलीज के लिए 8 फोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगी, 1/8. तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो क्वांटम यील्ड है वो फ्रैक्शन में होती है और क्वांटम रिक्वायरमेंट जो है वो होल नंबर में होगी. अब हम देखते हैं कि इमर्सन ने कैसे एक्सपेरिमेंट किए. तो इमर्सन डिड द टू एक्सपेरिमेंट्स. देर वॉज वन विच इज़ नोन एज रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड द सेकेंड वन इज़ नोन एज इमर्सन्स एनहांसमेंट इफेक्ट. सो हेयर इन द फिगर यू कैन सी द टू डायग्राम, वन इज शोइंग द रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड सेकेंड इज इन्हांसमेंट इफेक्ट. सो वॉट हैपन्स, ही एक्सपेरिमेंटेड अपॉन द क्लोरेला प्लांट एंड ही यूज द मोनोक्रोमेटिक लाइट. मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट को उन्होंने एक के बाद एक यूज़ किया. और इस एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट को ट्रीट करवाया क्लोरेला प्लांट के साथ, तो व्हाट ही फाउंड कि सडन डिक्रीज होता है जब वेवलेंथ 680 के अबव जाती है. यानी फार रेड में आप यहाँ देख सकते हो फिगर में, ओके, सो यू कैन सी सडनली द वेवलेंथ इज हाउ द वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग, सडनली द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिक्रीजिंग सम हाउ वेयर आफ्टर द 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ. तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूव किया कि फार रेड लाइट में या रेड रीजन की लाइट से बाद वाली वेवलेंथ में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो सडनली डिक्रीज हो जाती है. इसलिए ही इस इफेक्ट को रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं. सो दिस इज इमर्सन्स रेड ड्रॉप इफेक्ट. फाइन, द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ इमर्सन वॉज इमर्सन्स इन्हांसमेंट इफेक्ट. इन दिस फिगर यू कैन सी तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि क्लोरेला प्लांट को उन्होंने पहले, अगर एक सिंगल वेवलेंथ वहाँ, यहाँ भी उन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ किया पहले, और उन्होंने देखा कि अगर एक सिंगल
वेवलेंथ की लाइट को अगर वो यूज़ कर रहे थे तो क्वांटम यील्ड कम थी। इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, सपोज द प्लांट इज एक्सपोज्ड अंडर द वेवलेंथ मोर देन 680, यानी अगर प्लांट को उन्होंने इमर्शन ने जो क्या किया था कि उन्होंने प्लांट को ट्रीट कराया 680 वेवलेंथ से ज़्यादा, यानी फार रेड वेवलेंथ में, तो उन्होंने देखा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कम है। फिर उसके बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हम इस वेवलेंथ के साथ शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को भी मिक्स कर दें, सपोज शॉर्टर वेवलेंथ देन 680 एक्स वेवलेंथ कोई सी भी है, अगर हम इसको भी इसके साथ ट्रीट कराते हैं तो ये जो इफ़ेक्ट 680 वाले का इफ़ेक्ट है इसको एनरिच किया जा सकता है। तो क्या किया, सपोज़ अगर 680 वेवलेंथ की लाइट है और 680 वेवलेंथ की लाइट पर आप इसको ऐसे समझिए, अगर आपको क्वांटम यील्ड मिल रही है सपोज़ 5 आपको क्वांटम यील्ड मिली, फिर आपने शॉर्टर वेवलेंथ के साथ उसी सेम प्लांट को ट्रीट कराया तो आपने देखा शॉर्टर वेवलेंथ के साथ आपको क्वांटम यील्ड इंक्रीज हो गई और 7 मिल गए। बट व्हेन ही एक्सपोज्ड द सेम प्लांट विद द मिक्सचर ऑफ बोथ लाइट, अगर ये आपको एक्स वेवलेंथ पे मिला था और ये आपको वाई वेवलेंथ पे मिला था, और अगर उन्होंने एक उन्होंने अगर मोनोक्रोमेटिक की जगह इन दोनों को कंबाइंड करके लाइट से एक्सपोज कराया उस प्लांट को, तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस थी, यानी जो अगर क्वांटम यील्ड थी वो क्या होनी चाहिए थी, आइडियली 12 होनी चाहिए थी, बट सडनली इन्हांस हो जाती है और सपोज़ ये 15 हो जाती है, ठीक है। तो वो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि अगर हम फार रेड लाइट देते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत कम होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन अगर हम फार रेड की जगह रेड लाइट देते हैं तो रेट ऑफ सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है, लेकिन अगर हम कंबाइंडली इन दोनों लाइट को देते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो सडनली इन्हांस हो जाती है, और इसलिए इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं एमर्शंस इन्हांसमेंट इफ़ेक्ट, ठीक है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एमर्शन ने प्रूव किया कि पिगमेंट सिस्टम दो काम करते हैं लाइट रिएक्शन में, जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एक्सेप्ट होती हैं और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। दैट्स ऑल अबाउट एमर्शंस इफेक्ट।